your words when the right man rings them. Fair the ring of words when the right man rings them. Fair the ring of words when the right man the ring of words when the right man the ring. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बरे बालवर्स मी। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो डेकोरेशन से जुड़ी हुई है। हमारे घर में इस तरीके के देखिए दुपट्टे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे होते हैं, लेकिन हम उनका यूज नहीं कर पाते। तो इस दिवाली डेकोरेशन इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी वाले दुपट्टों का, इस तरीके के जो कपड़े होते हैं, इनको हम कैसे यूज किया जाए, तो आज हम अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इस तरीके के कपड़े से अपने सोफे को हम कैसे एक ट्रेडिशनल लुक दें, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जब हमारा सोफा होता है उसकी बैक सिटर पे कुछ ट्रेडिशनल लुक दिखाई देना चाहिए, वो भी दिवाली का सीजन है और नए कपड़े खरीद कर लाने का कोई बजट या हिसाब किताब नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पूजा घर में कुछ बड़े बड़े आसन होते हैं, इन्हीं आसनों को हमें डेकोरेशन के हिसाब से यूज़ करना है। देखिए, पूजा का बड़ा सा आसन था, उसको मैंने सोफे की बैक पे इस तरीके से पिनअप कर दिया है। अब बैठ भी रहे हैं तब भी ये मतलब खिसकेगा नहीं। अगला हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो हमारे कुशन है, इन कुशन को हम नए जैसा कैसे बनाएं। भाई वही कुशन है और दूसरे कुशन लाएंगे तो हमारा थोड़ा सा बजट डिस्टर्ब हो जाता है, दिवाली पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही कम बजट में एक नया हैक लेके आई हूँ। ये इस तरीके की जो हमारे मंदिर की चुन्नियाँ होती हैं, जैसे माता रानी पे चुन्नी चढ़ाते हैं, ये वो चुन्नी है। ये काफी बड़ी है तो मैंने इसके दो भाग कर लिए हैं और बस इसके दोनों भागों को हम इस तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से सुई से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हैक कैसा लगा जरूर बताना मुझे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इस चुन्नी को आपको बस अपने कुशन के साइज में अच्छे तरीके से पिनअप करना है या सुई से अच्छे तरीके से लंबे लंबे टाके लगाने हैं, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो आपको चेंज करना ही है। और ये एक ट्रेडिशनल लुक दिखाई दे रहा है इस चुन्नी को लगाने से। आपके बजट के अंदर की डेकोरेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप सुई से नहीं कर सकते हैं तो 3-4 बड़ी बड़ी सेप्टिक पिन ले लीजिए और उससे इसे अटैच कर दीजिए। सिर्फ आपको एक ही तरफ से अटैच करनी है, इसके तीन भाग आपको ऐसे ही खुले छोड़ देना है। चाहे तो आप इसे स्क्वायर शेप में यूज़ करें या थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में। इसी तरीके से फ्रेंड्स, देखिए हमारे कुछ दुपट्टे होते हैं, उनकी एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी होती है लेकिन वे प्रेस करने के कारण जल जाते हैं। तो एक लुक मैं आपको दुपट्टे का कुशन कवर बनाना भी सिखा रही हूँ, सिर्फ टेम्परेली। तो आपको करना क्या है, दुपट्टे को इस तरीके से फोल्ड करना है। चाहे तो आप इसके बीच वाले भाग का डिजाइन ले सकते हैं या किनारी पे जो बॉर्डर होता है उस वाले भाग का डिजाइन आप कुशन पे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक तो आपने देखा भी होगा, सिर्फ दुपट्टे से नोड बांधा करते हैं कुशन के ऊपर, वो भी एक कुशन का कवर होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टिच वाला काम कर रही हूँ ताकि जब कोई गेस्ट बैठे कुशन को अपनी गोद में रख ही लेते हैं, ये एक हमारी हैबिट होती है, तो कुशन का ये दुपट्टे वाला कवर इधर उधर ना हिले। थोड़ा सा टेम्परेली काम है लेकिन पक्का करना जरूरी है। तो मैं इसमें जो ये किनारी वाला बॉर्डर है इसको सबसे ऊपर लगा रही हूँ और जो ये फूल है बड़े बड़े से इनको भी लेना चाह रही हूँ और हाथ की सुई से अच्छी तरीके से इसे पक्का कर दूंगी। थोड़ी सी बाद में मेहनत पड़ेगी इसे उधेड़ने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा दिखाई देने वाला काम है जैसे कि ये वास्तव में ही कुशन है। तो इस तरीके से पुराने जो हमारे घर में दुपट्टे हैं वो आप अपनी दिवाली पे एक ट्रेडिशनल लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हैक आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। और देखिए, इसमें एक पॉकेट भी है, इसको डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे एक नेचुरल फूल भी लगा सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ एक गुलाब का फूल था। अगला हैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने सोफे को, ड्राइंग रूम को, बेडरूम को अच्छे तरीके से डेकोर कर रहे हैं, पर जो हमारे घर का एंट्रेंस एरिया है या ऐसा एरिया जिस पे सबसे ज़्यादा निगाह जाती है, उस जगह को
कुछ ट्रेडिशनल लुक दिखाई, मतलब ऐसा दिखाई दे, तो उस जगह को ना तो हम ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना चाहते हैं। जो घर की चीज़ें हैं उन्हीं से मैं डेकोर करके दिखा रही हूँ। फूल तो देखिए आप सभी के घरों में आसपास में मिल ही जाते हैं, तो ये हर श्रृंगार के फूल मेरे घर के पास ही हैं। गुलाब के फूल भी आराम से मिल जाएंगे, और जो ये फूलों की ये माला सी मैं टांग रही हूँ, ये भी अक्सर आप सभी के घरों में दिवाली की डेकोरेशन के हिसाब से घर में ज़रूर रखी हुई होती है। अब करना क्या है, जो भी आप डेकोर करना चाहते हैं उस तरीके से इस चीज़ को डेकोर कीजिए। एंट्रेंस एरिया को इतना सुंदर दिखाना है ताकि देखने वाले का, सामने वाले का मन ये कह बैठे कि वाह भाई क्या डेकोरेशन है। और आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइट होती हैं, एक तो पानी में चलने वाली आती हैं, एक बैटरी वाली भी आती हैं, आप दोनों में से कोई सी भी लाइट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कांच का एक हल्की तली वाला बर्तन है, मतलब मटकी टाइप है कांच का, और इसके अंदर मैं मोमबत्ती नहीं रखना चाह रही भाई, क्यों रिस्क लेना कहीं चटक ना जाए दिए की लो से, तो मैंने बैटरी वाली लाइट उसके अंदर लगा दी है। इसी तरीके से हमारे घर के जो सर्विंग वाले बर्तन होते हैं, मेजरमेंट वाले बर्तन होते हैं, उन छोटे छोटे से बर्तनों के अंदर स्टैंड वाली कैंडल्स आती हैं, उससे भी आप अपने घर के एंट्रेंस एरिया को डेकोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। ये घर की छोटी छोटी सी डेकोरेशन मैं अक्सर 3-4 दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने अपने दूसरे वाले एंट्रेंस एरिया की वीडियो शेयर करी थी, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और एडवांस में आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बाय बाय।